आप पत्रकार तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर आज जम्मू का किया है तो गोदी मीडिया ने जम्मू का नुकसान किया है। बाहर में गया 370, नोट कमा लीजिए। ये सारे की सारी भारतीय जनता पार्टी के इशारों के ऊपर नोट कमा लीजिए। गोदी मीडिया जम्मू के जो बीजेपी के ABC टीमों का IT सेल का काम कर रहे हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाय हाय। आप पत्रकार तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर आज जम्मू का किया है तो गोदी मीडिया ने जम्मू का नुकसान किया है। बाहर में गया 370, नोट कमा लीजिए। ये सारे की सारी भारतीय जनता पार्टी के इशारों के ऊपर नोट कमा लीजिए। गोदी मीडिया जम्मू के जो बीजेपी के ABC टीमों का IT सेल का काम कर रहे हैं, कुछ काम आप भी कीजिए। आप मुझे बताएं कि कितने पत्रकारों ने आज रियासत का दर्जा 370-35 से, जिसकी जंग सुनील डिंपल पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा है, किसी ने क्या किया? कौन सी पार्टी आई? आज मुबारक है हमें, हमने सारा जम्मू कश्मीर इकट्ठा कर दिया, एक प्लेटफॉर्म पे ला। लेकिन अगर मीडिया गोदी मीडिया के ऊपर बैठे रहते तो ये ना रियासत वापिस आनी थी। देखिए आज अगर देर हुआ सुप्रीम कोर्ट में केस, तो ये मीडिया हाउसेस की वजह से। मीडिया पर तो इल्जाम लगा रहे हैं, तो बाकी जो पार्टी है सियासी उनका क्या काम? वो सिर्फ 370-35 से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, अपनी पार्टी हो, कश्मीर के नेता हो, और अफसोस सबसे बड़ा ये है कि कश्मीर के नेता सुनील डिंपल ने 1,30,00,000 अवाम को इकट्ठा कर दिया जम्मू और कश्मीर की एक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जम्मू कश्मीर लद्दाख POK गिलगित बलूचिस्तान को हमने इकट्ठा कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के नेता इकट्ठे नहीं हो पाए, जनता इकट्ठी नहीं हो पाई।